गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, क्या हाल चाल हैं जी? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं आप? क्या बात है, अगर एनर्जी के लेवल्स में एक कमी सी वाकई हो गई है तो इंस्टेंट बूस्टर मैं आपको बताने वाला हूं आज कि अगर आप थोड़ा सा लो फील करें, थोड़ा सा कम एनर्जेटिक फील करें, हल्का सा डाउनर सा आ रहा हो कि अच्छा यार ये नहीं ठीक है, जिंदगी के किसी भी उलझन की वजह से आप थोड़ा सा उदास सा महसूस कर रहे हो, उदास पंछी सा बन रहे हो, तो इंस्टेंट आपके लिए जो एनर्जी की डोज है वो आपके इर्द गिर्द है और वो है बच्चे, खास तौर पर छोटी उम्र के बच्चे। उनको अगर आप एक या दो मिनट, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं, चाहे आपके घर में बच्चे नहीं भी हैं, सड़क पे चलते हमसाए में कोई रिसाला उठा के किसी बच्चे के चेहरे को अगर आप 60 सेकंड से ज्यादा या उसके उसकी किसी हरकत को, वो स्कूल जा रहा है, वो खेल रहा है, कहीं टीवी स्क्रीन पे नजर आ गया, बच्चे को 60 सेकंड से ज्यादा ऑब्जर्व करने से आपके अंदर इंस्टेंटली एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। इसलिए कि बच्चा होप, बच्चा एनर्जी सिर्फ नहीं दे रहा होता, वो आपको होप दे रहा होता, उसके सामने ना चाहते हुए अनजाने भी एक 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 सफर पड़ा होता है जो उसके चेहरे पे लिखा होता है और वो कहता है नहीं, दिस इज पॉसिबल, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो कहीं आप अगर जरा डाउनर फील कर रहे हैं ना, तो इर्द गिर्द बच्चों को आइडेंटिफाई करें, बच्चों को देखें, बच्चों से एनर्जी लें, बच्चों से पॉजिटिविटी लें, बच्चों से सीखें। किसी को बताना नहीं कि हम बच्चों से ही सीखते हैं, इसलिए कि बच्चों का तो काम ही नहीं है सिखाना, बच्चों का तो काम है सीखना, ये तो बड़ों का काम है सिखाना। लेकिन अब क्या करें, जिंदगी के दुनिया के मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हमने सोचा कि बच्चों से भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। सो बच्चों से हमने एनर्जी लेनी है, पॉजिटिविटी लेनी है, उनसे हमने कुछ ना कुछ सीखना जरूर है। और बच्चों से सीखने की बात हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि मेरी क्लास फेलो नवेरा जो एक दिन हमारे शो में आई थी और उन्होंने मिल्क यानी कि दूध के ऊपर हमें बहुत सी नई बातें बताई थी, सिखाई थी हम सब क्लास फेलोज को, वो आज वाटर यानी पानी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो नवेरा से भी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। लेकिन बच्चों की एनर्जी और बच्चों की पॉजिटिविटी तभी खूबसूरत लगती है साथियों, जब वो हेल्दी हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। और बच्चे को तकलीफ में देख के तो सब कहते हैं ना कि बस बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती। अगर बच्चे को किसी को इंजेक्शन लग रहा हो या हॉस्पिटल में आप जाएं तो कैनुला लगा हो या बच्चे को छींकें आ रही हैं, उसको आपने दवा खिलानी है, ये जो हेल्थ रिलेटेड बच्चों के प्रॉब्लम है ना, ये बड़ों से नहीं देखे जाते। चाहे बच्चे आपके अपने ना भी हों, किसी के बच्चे भी हों, बच्चे जो है ना उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कौम की हैसियत से, मुल्क की हैसियत से हम बच्चों की हेल्थ को इंश्योर करें। अब ये वो चीज़ है कि जिसमें बच्चे कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमने ही कुछ ना कुछ करना है। आपको ये भी बताते चलें कि कल से पूरे पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन का हफ्ता मनाया जा रहा है, यानी कि हिफाजती टीके बच्चों को लगाने का पूरा हफ्ता, ताकि वो 8-9 जो मोहलिक बीमारियां हैं उनसे बच सकें और उनके पहले 1000 दिन जो है उस हेल्थ को हम इंश्योर कर सकें। और ये तो रिसर्च ने और साइंस ने साथियों साबित भी कर दिया है कि इनिशियल साल दो साल के अंदर बच्चों की इम्यूनिटी को अगर डेवलप कर दिया जाए बीमारियों के अगेंस्ट, तो आगे चलकर भी वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर वो ज़्यादा मुस्तैद और मजबूत बन सकते हैं। तो इस हवाले से हमने सोचा कि फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नौशीन हामिद को हम इनवाइट करें, और आज जो कल से इम्यूनाइजेशन वीक शुरू हो रहा है उस हवाले से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान सकें कि उस वीक में क्या होगा, हम एक आम शहरी की हैसियत से हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी और मुल्क के सारे बच्चे सेहतमंद, मुस्तैद और एम्पावर्ड, ताकतवर हो। बच्चा ताकतवर होगा तो हम भी ताकतवर होंगे। सो जनाब डॉक्टर नौशीन से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। ऑफ कोर्स मीना तारिक का अपना सेगमेंट हमेशा आज के दिन लेकर आती हैं और मीना से हमें गिले रहते हैं कि वो बस हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें तो बता देती लेकिन हमारे सवालों के जवाब नहीं देती। तो आज मीना ने कहा कि मैं अपनी कोई बातें नहीं बताऊंगी, नहीं आपके जो क्वेश्चंस हैं, तो जिसने मीना तारिक से नए बिजनेसेस के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आपको कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जो भी सवाल भेजे थे, गेट रेडी, आज मीना आपको उन सबके जवाब देंगी। तो ये सब है ब्रेकफास्ट एट होम के मेन्यू में हमारे पास आपके लिए। लेकिन स्टार्ट करते हैं ट्रेनर तहमीना और ट्रेनर काशिफ से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? ठीक, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। ये क्या जी, आज इसका मतलब ट्रेनिंग नहीं होगी, आज हम फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल खेलेंगे यार, चलो जी, तो कोई आसान काम नहीं है। फुटबॉल खेलेंगे की पूरी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग है,
कोई भी आई थिंक जो भी गेम्स खेलते हैं। अच्छा मैं सोच रही थी गोल्फ के बारे में, मैं हमेशा जब देखती थी ना लोगों को, सॉरी माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये कि जब मैं देखती कहती थी ये क्या है, ये हमें खड़े होके बस इस तरह कर देते हैं, इसमें कौन सी ताकत लगती है। Some of my friends, बाबों की गेम भी कहा जाता है, ये बस बाबों की गेम है, बाबे जाके स्टिक पकड़ के। वैसे मैंने कभी बाबा तो नहीं कहा, लेकिन सम ऑफ माई फ्रेंड्स एक्चुअली डू इट एंड आई थिंक दे आर एडिक्टेड टू इट। और उन्होंने कहा तुमने क्या इसको समझा हुआ, ये इतनी डिफिकल्ट गेम है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ चाहिए। मैंने कहा तुम लोग जो वो बॉल के पीछे भी गाड़ियों पे जाते हो, ठीक है ना, कौन सा नया काम है, बट आई थिंक इट्स नॉट इजी। लेकिन कोई भी खेल हो, चाहे वो स्विमिंग है, बैडमिंटन के बारे में कहते हैं कि वो आपकी बहुत सी कैलोरीज लेती है, फुटबॉल, गोल्फ, एनीथिंग। अच्छा जी, इसके साथ क्या करें? भाई एक्टिविटी होनी चाहिए दोस्तों, किसी भी किस्म की, उसका ताल्लुक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपका हेल्थ से ही होता है। जैसे डाउनर की बात कर रहे थे तौसीफ भाई अभी, तो डाउनर जो होता है वो किसी भी हवाले से हो, चाहे मेरी साइकिल का नुकसान हो गया, बाइक का नुकसान हो गया, या कोई भी आपको डाउनर किसी भी हवाले से आया, लेकिन आपकी अगर सेहत ठीक है ना साथियों, तो सब कुछ ठीक है। तो सेहत ठीक करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, शुरू करें तो जहान है, बिल्कुल शुरू करें। तमीना क्या है आज हमारे पास? मेडिसिन बॉल मैं कुछ दिन कुछ हफ्ता पहले लेके आई थी, छोटा सा बॉल, ये 3 किलो का बॉल है, मेडिसिन बॉल है। इसमें 10 किलो 12 किलो बहुत से ज्यादा भी बॉल्स होती है, और ये क्रॉसफिट में यूज होती है, इट्स अ फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए यूज होती है। लेकिन आज हम जरा हल्का वेट लाए, यानी इससे हम बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल नहीं कह सकते, इससे आप किस तरह नहीं मार सकते, तो हम प्रॉपर वर्कआउट करेंगे। इससे करना क्या है? अच्छा डंबल आप उठा ले काशिफ, अच्छा सिर्फ आपको बता रहे हैं कि डंबल है, डंबल से भी कर सकते हैं और बॉल से भी कर सकते हैं। अच्छा आपने पहले सबसे पहले स्क्वाट किया, देन यू स्लैम द बॉल डाउन। अभी ये चूंकि वेट है, डंबल छोड़ना नहीं है आपने, पता चले डंबल भी जो है ना, मतलब वो नीचे। अच्छा ये तो जैसे आप स्क्वाट्स और ये दो चीजें आप मिक्स कर रहे हैं, बट इफ यू वांट यू कैन डू इट, ये ठीक है, जितना जोर से पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है जी, जितना जोर के साथ आप उसको स्लैम करेंगे, काशिफ भी आपको बताएंगे, ठीक है काशिफ यहाँ आइएगा। अच्छा इट्स जस्ट 3 kg, लेकिन किसी भी बिगिनर यानी मर्द और खवातीन के जो भी होंगे अगर करेंगे तो 3 किलो भी बहुत ज्यादा होगा। और आपने जी जब भी आप स्लैम करने जा रहे हो तो आप देखिएगा जो फोर्स है एनर्जी की, मैं अपने पंजों पे आ रहा हूँ तब मैं स्लैम करूँगा ऐसे, ठीक है। मैं ज़्यादा ज़ोर से इसको हिट नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझे डर है ज़्यादा बॉल ऊपर ना चला जाए, और ऊपर हमारी लाइट्स भी हैं। तो खैर आपने इसको जान लगा के स्लैम करना है, ठीक है, मेडिसिन बॉल है या फुटबॉल है कोई भी यूज़ करें, आपका रिब केज एरिया इससे ट्रेन हो रहा होता है। अगेन बता दूँ, आएंगे तो जब स्लैम करेंगे तो पंजों पे आ जाएंगे। कोर वर्कआउट और आपके शोल्डर्स का वर्कआउट है। अगली एक्सरसाइज बता देती हूँ, थोड़ा सा इसमें फन के साथ साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, जैसे कि काशिफ एक्सप्लोसिव पुशअप्स बताते हैं उसको, ये कि आप एक हाथ पे यू कैन डू अ पुशअप, ठीक है, आप इसको एक साइड पे करें, ठीक है, और यू कैन चेंज इट। अब साथियों इसमें दो चीजें हैं, पहली चीज क्या है, इसमें रेंज ऑफ मोशन तो बढ़ गई है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, आपको जो बॉल है वो बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मैं इस डंबल को पकड़ता हूँ तो मेरी ग्रिप प्लेसमेंट अच्छी होगी, लेकिन इसमें बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो पहली बात तो इतनी जिंदगी में तकलीफ लाने की क्या जरूरत है, ऐसी ट्विस्ट कर गया तो नाजुक कलैया ग्रोथ कैसे करेंगे तो सिख भाई, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट करना है बिल्कुल। हाँ काशिफ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो एक फन एलिमेंट भी है, उसके अलावा देखिए आप अगर जैसे आप इतने अरसे से जिम जाते हैं और यू नो लाइक 100 ऑफ थिंग्स, अब उस प्लेटू को ब्रेक भी तो करना है। आपकी बॉडी को पता है कि आप आएंगे जिम के अंदर आधा घंटा वॉक करेंगे या जॉग करेंगे जो भी करेंगे। इन आजकल जो फंक्शनल ट्रेनिंग का दौर इसलिए है कि ये वो चीज़ें हैं, ठीक है, कि जैसे आप वेट ट्रेनिंग, हर किसी ने मसल्स नहीं डेवलप करने होते ना, वे मसल्स वी नीड मसल्स, लेकिन बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, विच इज़ डिफरेंट। तो लोग लीन बॉडी की तरफ जा रहे हैं कि जिसको आप कहते हैं एथलेटिक बॉडी। एग्जैक्टली, अब जो मैराथन करते हैं लोग, ठीक है, मैराथन वाली बॉडी इज नॉट अ आइडियल बॉडी, क्योंकि दे आर डूइंग टू मच ऑफ अ कार्डियो। जैसे अगर आप 20 किलो इसलिए उनका हम देखते हैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम बाजू टांगे होते जी, बिल्कुल टू रिस्पेक्ट टू देम, हम एथलीट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, मसल्स नहीं होते, लेकिन हम लीन बॉडी जो फंक्शनल ट्रेनिंग में आते हैं उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी एक जी प्लीज डेमोंस्ट्रेशन दे देता हूँ कि मेडिसिन बॉल अभी तौसीफ भाई ने कहा कि इतनी जिंदगी अजाब में डालने की क्या जरूरत है दोस्तों, फटाफट देखिए अब मैं जब अगर ऐसे पुशअप कर रहा हूँ, काशिफ दिल पे ले गया मेरे पास ना, कहते हैं मैं अब तौसीफ भाई को करके दिखाऊंगा। उसके बाद अगर हम ये डंबल यूज करते हैं जी, उसके बाद मैं ये डंबल यूज करता हूँ जिसकी ऊंचाई थोड़ी इससे ज्यादा है, तो मैं सारी जिंदगी अगर मैं यही करता रहूंगा तो मेरी ग्रोथ ऑफ विंडो यहाँ आकर रुक जाएगी। जब मैंने ये यूज की तो मुझे एक्स्ट्रा पुश मिल रहा है, एक्स्ट्रा एज मिल रहा है, चैलेंज भी मिल रहा है। अच्छा हम जल्दी जल्दी आखिरी दो एक्सरसाइजेस करके आपको बता देते हैं, चलिए। अच्छा इसमें कोर की एक्सरसाइज अगेन हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप करते हैं रशियन ट्विस्ट। अच्छा इसमें रशियन ट्विस्ट आपने इसी तरीके से बॉल होल्ड करके जितना आप हैवी लेना चाहें, आप थोड़ा सा चैलेंज ऐड करना चाहें तो देन भी आप कर सकते हैं। अच्छा जो हम लेग रेजेस वगैरह करते हैं,
ठीक है, आप स्ट्रेट लेग्स भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप ऊपर आके इसको टच भी कर सकते हैं, मतलब जितनी चीजें आप चाहें, एवरी सिंगल थिंग इस बॉल के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ बॉल नहीं है, एक गेंद नहीं है, 3 किलो का गेंद है। जी। 3 किलो का गेंद है, वेटेड है। अच्छा, ये वेट पकड़ने के साथ साथ आसान भी है पकड़ना। बॉल को ये इस्तेमाल करने का मकसद है क्योंकि रबर है ना, और देखें तो आपका हाथ ऐसे खुल जाए तो ग्रिप जो है ज्यादा अच्छी हो रही है। मैं एक और आपको मजेदार इसकी फॉर्म बताता हूँ, एक मूव जो तमीना ने बताई। जी, ये देखिए काशिप, अगर आप कैमरे की तरफ करके थोड़ा सा बता दें। मुझसे छुपाओ तो नहीं ना, प्लीज हमें दिखाओ ये क्या कर रहे हो तुम। तो ठीक भाई, मैं तो ऐसे अक्सर बताता रहता हूँ, चले मैं ऐसे बता देता हूँ। अच्छा देखिएगा, ताकि कैमरा भी तो दिखाए ना। ये चीज हैवी, देखिए बॉल को भी संभालना मुश्किल हो रहा है, और आपके बेसिकली कोर के यहाँ पे देखिए एब्स जो है कॉन्ट्रेक्शन हुई हुई है, लोअर से भी और अपर से भी। अब हम वेट के साथ मजीद इसमें टेंशन डाल रहे हैं। बिल्कुल, वो एक फ्लो में और एक खेल की खेल है, आपस में आप मुकाबला भी कर सकते हैं। अच्छा मैंने 50 दफा किया, तुम 50 दफा, किसका ड्रॉप हो गया, नहीं हुआ। ये बड़े बड़े एथलीट्स को आप देखेंगे, ये वाली जो फॉर्म मैंने बताई अक्सर करते हुए, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है। ये जो चीज है, जैसे हमने 2 दफा थ्रो भी किया था काशिफ के साथ, मैंने हमने छोटी वाली बॉल के साथ किया था, जैसे अभी हम थ्रो करके बताते हैं आपको, और उसमें हमने कहा था कि वो लाइट है क्योंकि वो तो ले लू बदला वो लाइट। ये तो This is serious business. Yes, serious business. It is. So, ये आप दीवार के साथ भी स्लैम्स करते हैं, अगर आप पार्टनर के साथ चाहें तब भी स्लैम करते हैं। Too many things. लेकिन हम आने वाले वक्तों में, जैसे हमने रमजान का भी कहा कि रमजान आ रहा है, हम उसके मुतालिक भी आपको एक तो पहले बताएंगे कि सहरी के टाइम पे आप कैसे खा सकते हैं। Exactly. अपने वर्कआउट के साथ साथ हम आपको बताएंगे, दूसरा फिर हम आपको यानी भी बता देंगे कि इफ्तार के बाद कि खाने क्या आप खा सकते क्या हैं खा और सकते हैं, रूटीन क्या होनी चाहिए और कितना खा सकते हैं, और फिर एक्सरसाइज का भी आपको बताएंगे, ठीक है, कि आपकी एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम इन इफ्तार, क्योंकि समर में अब आ रहे हैं। Exactly. तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर, थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों के लिए बताते जाएंगे ताकि पूरा कवर हो जाए। ग्रेट, ट्रेनर तहमीना, ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा क्लिक ऑफ द डे है, इसको क्या कहते हैं जी, कौन सा बॉल, मेडिसिन बॉल, मेडिसिन बॉल। खैरी मैंने कभी भी जिम में इस्तेमाल नहीं किया काशिफ, नोट कर लो, ये तो आज से शुरू है क्योंकि ये बड़ी मजेदार चीज है। चले जनाब, हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नवेरा मेरी क्लास फेलो मेरे साथ है, और आज कुछ पानी के हवाले से बात करने वाली है। अभी मिलते हैं आपसे। जो ही गर्मियाँ आना शुरू होती हैं, एक चीज़ जिसका हमें उसकी अहमियत का, अफादियत का, उसकी ज़रूरत का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, वो है पानी। और वैसे तो सर्दियों में भी पानी उतना ही अहम है जितना गर्मियों में, इसलिए कि आपका पूरी ज़िंदगी का साइकिल इसके गिर्द घूमता है। तो हमारी छोटी सी एक साथी, मेरी क्लास फेलो नवेरा ने सोचा कि इसके ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नवेरा? ठीक। आपको पता है, आप कुछ अरसा पहले हमारे शो में आई थी और आपने दूध के ऊपर, मिल्क पे, इतना लोगों ने उसको पसंद किया, इतना शेयर किया, सबने आपकी बहुत तारीफ की। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। चलिए जी, आज बताएं कि क्या टॉपिक है और... आज हम लोग वाटर पे बात करेंगे। ठीक है, बात कीजिए जी, बताइए। तो वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जो हाइड्रोजन कहते हैं, जब तक मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं आएगा, मैंने वाटर नहीं बना सकता मैं। ओह यस, बिल्कुल। और हाइड्रोजन कहता है कि जब तक मेरा बेस्ट फ्रेंड ऑक्सीजन नहीं आएगा, मैं वाटर नहीं बना सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। और इतना वाटर है हमारे यूनिवर्स में, 70% है, लेकिन हम 2.5 पी सकते हैं, इतना सा। क्या मतलब? मतलब टोटल पानी में से 2.5 ड्रिंकेबल है। अच्छा, यानी पूरी दुनिया में जितना भी पानी है वो देखने में तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ड्रिंकेबल वाटर, साथियों पीने का जो पानी है, जिसको हम पीने का साफ पानी कहते हैं, वो सिर्फ 2.5% है। ये तो बहुत कम है भाई। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग वाटर सेव कैसे कर सकते हैं। जब आप टीथ ब्रश करते हैं, आप टैब ओपन कर देते हैं, आपको पता नहीं होता कि वाटर इज वेस्टिंग। हाँ, और टैब खुला हुआ है और हम जनाब
आईने में टीथ ब्रश करें, दिन 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 दिन, वो देखे ना तौसीक अंकल, आई ये तो मेरी तस्वीर लग रही है। अच्छा आप देख सकते हैं कि मैं ब्रश करे टीथ और इनने टूटी टैप खोली हुई है और ये सारा पानी गिर रहा है, तो ये थोड़ा सा वेस्टेज नहीं है, ये बहुत वेस्टेज, बहुत सारा वेस्टेज है और पूरे बाथरूम में पानी पानी हो गया है ना, इस चीज का हम एहसास नहीं करते। अच्छा जी अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये आंटी बर्तन धो रही है और आपको देख सकते हैं कि वाटर गिर रहा है, ये भी वेस्टिंग वाटर है। एग्जैक्टली और उधर से पानी, उधर से पानी, नलका खोल के या टैप खोल के, बिल्कुल। तो इन चीजों का हमें एहसास, और ये क्या हो रहा है? अब ये आंटी बात कर रही है और ये प्लांट्स को पानी दे रही है, ये पोर पीपल कलेक्ट कर रहे हैं पानी, हम लोग कैंस से प्लांट कैंस से ताकि पानी गिरे भी ना। इंटरेस्टिंग, इतनी अच्छी स्लाइड थी कि इसमें आपने बताया कि जिन लोगों के पास पानी नहीं है उनको उसकी उसका एहसास है, जानवरों को चाहे इंसानों को, और हम कितना बेदर्दी से पानी को जाया कर रहे होते हैं जिनके पास पानी है और उनको उसका एहसास नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, गुड पॉइंट। तो आप प्लांट्स लें जो लेस वाटर लेते हैं, या अगर आप, आपको पता नहीं है कि वो लेस वाटर है तो आप सारे वाटर प्लांट्स में डाल लें, वो वाटर लॉग हो जाएंगे। अच्छा ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो बड़ी साइंस आ गई इसमें है ना, बॉटनी बड़ी इन्वॉल्व हो गई है, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और बॉटनिस्ट भी हैं नोवेरा जो है। अच्छा जी अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि ओहो ये मैन बातें कर रहे फोन पे, उनको नहीं पता कि उनका पानी चला हुआ है, तो इससे पानी वेस्ट है। यस एब्सोल्युटली, जो मोबाइल फोन है ना ये तो ठीक चीज नहीं है, तो और ऐसे पानी में भी खराब हो जाता है, सब लोगों को पता है, सबको पता है, ऑफ कोर्स नोवेरा को भी पता है और नोवेरा से आज सबको पता लग गया, बिल्कुल ठीक। और कोई स्लाइड है जी? अरे वाह ये क्या है? ये ब्रोकन टूटीज है, जो ब्रोकन टूटीज टैब्स, ब्रोकन टैब्स नलके टैब्स, जो आप टैब से पानी ना गिरने दे, आप उनको फिक्स करवा लें। बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके घर में थोड़ा सा भी पानी वेस्ट, एग्जैक्टली वो बाहर एक एक ड्रॉप गिर रहा होता है, लेकिन अगर आप देखें कि आपका नलका जो है वो खराब है तो सोचिए पूरे दिन में एक एक कतरा करके कई बार आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पूरी की पूरी बाल्टी जाया हो रही होती है पानी की। तो इस तरफ ध्यान दें और फौरन जाके चेक करें अपने घर में, सब बाथरूम्स में, किचन में, अगर कोई नलका खराब है तो फौरन ठीक करें। और सी में शिप्स जा रहे होते हैं, उनके पाइप्स दे सकते हैं, वो एक्चुअली वो पाइप से वो आपको लगता है कुछ नहीं डाल रहे होते, बट दे आर थ्रोइंग ऑयल इन इट, और ऑयल जब सी वो पोल्यूशन बनाता है। एग्जैक्टली वो देखे ना कि सारी ऐसे बॉटल्स, आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं, वाटर को पोल्यूशन वाटर को आप रिसाइकल कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये बड़ों को बातें क्यों नहीं समझ आती नोवेरा, आपने जो सारी बातें बताई हैं ये हम लोग क्यों नहीं सीखते आपसे, ये जरा बताएं। लोग को लगता है कि वाटर नहीं वेस्ट होगा, लेकिन एक्चुअली इट्स वेस्टिंग है ना, तो ये बड़ों को कुछ समझाना पड़ेगा, जरा मुझे लगता है थोड़ा डांटना भी पड़ेगा। आप डांटना आता है आपको? नहीं ना, यही तो बच्चों का कमाल होता है कि बच्चों को डांटना नहीं आता और बड़ों को डांटना आता है, और वो समझते हैं कि वो बस नॉलेज का और इल्म का पूरा खजाना है क्योंकि अब हम बड़े हो गए, तो असल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज यहां से आ रही है। एड्स आ रही है, एड्स आ रही है कि वी आर मेकिंग डैम्स, और इमरान खान कह रहे हैं दैट वी नीड टू सेव वाटर, सो हम लोग सेव वाटर करें, जैसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं वाटर को। एग्जैक्टली, तो वो जो गंदा पानी है उसको रिसाइकल करके दोबारा से यूजेबल बनाया जा सकता है। भाई बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपने दी और ये आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आया, पानी पानी। अच्छा ना? हाँ। कितनी बड़ी नेमत है ना, और हमें इस जो पानी ड्रिंकेबल वाटर हमारे पास है, पानी जब फिशेस पोल्यूशन वाटर में पीती हैं वो पोल्यूशन जाते हैं उनके अंदर, जब लोग डालते हैं और जब हम लोग खाते हैं फिशेस हमारे अंदर पॉइजन आ जाता है, फिर हम लोग डिजीजेस से नहीं बच सकते। ये भी एक साइकिल है, डिजीज का साइकिल, कि गंदा पानी समंदर में गया, समंदर में मछली ने
पोल्यूशन और जहरीला पानी पिया, उससे वो बीमार हुई, वही मछली हमने खाई, अपने बच्चों को खिलाई, तो डिजीज का भी एक साइकिल होता है। और आपको पता है आज हमारा एक और सेगमेंट है जिसमें हम बच्चों की इम्यूनाइजेशन पे बात करेंगे, जो कि कल से शुरू हो रही है, पूरे पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन का हफ्ता मनाया जा रहा है। सो थैंक यू कि आपने ये जो डिजीज का साइकिल है ना, ये भी हमें बताया। नवेरा, हम कितना लर्न करते हैं आपसे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, हाई फाइव। जबरदस्त सेगमेंट किया आज तुमने। चले जनाब, चल के लेते हैं एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेसेस की गुरु मीना तारिक हमारे साथ होंगी। तो गुरु मीना भाई, वो नलका टूटी हो सकता है तो मीना मीनू क्यों नहीं हो सकती, ये भी जरा एक सोचने का पॉइंट। मीना हमारे साथ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इकट्ठे हुए हैं आपके नए बिजनेसेस के हवाले से, उनका जवाब मीना देने वाली है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। सेगमेंट हमारे शो का बहुत मकबूल, बहुत पॉपुलर सेगमेंट है, इसलिए कि इसमें पाकिस्तान भर में, खास तौर पे छोटे टाउन्स, छोटे शहरों में, गांव देहात में रहने वाले, खास तौर पे हमारे यंगस्टर्स, लड़के और लड़कियां इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। इसलिए कि इसमें गुरु मीना आपको कारोबार के हवाले से छोटे छोटे ऐसे टिप्स देती हैं कि जो अमूमन कारोबार शुरू करते हुए हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ट्रेनिंग्स कराती हैं पूरे पाकिस्तान में, और खुद भी नए नए कारोबार करने का शौक रखती हैं। गुरु मीना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आज आप फाइनली सवालों के जवाब ले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े अरसे से जो है ना वो रह जाता था, हम हर दफा एक नए टॉपिक पे डिस्कशन शुरू कर देते थे और बड़ा बुरा लगता था फिर के सवाल जो है ना वो जमा हो गए हैं, तो हमने कहा दो दो तीन तीन करके कम से कम जो है वो बिल्कुल शुरू करें। तो पहला सवाल किसका? सो पहला सवाल है फायजा बतूल का। उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि वो कहां से ताल्लुक रखती है, मगर फायजा ने बताया कि वो फ्लावर्स का बिजनेस रन करना चाहती है, और उन्होंने इस पर रिसर्च भी की है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बिजनेस प्लान भी डेवलप कर लिया है काफी हद तक। पर उनका सवाल ये है कि कुछ, वो कह रही हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अभी तक उनको नहीं पता चला, स्पेशली कुछ मटेरियल है जो उनको चाहिए, फायदा ढूंढ रही हैं मगर उनको मार्केट में नहीं मिल रहा अभी तक। तो उनका क्वेश्चन इसके अराउंड है कि ये अब वो इस बारे में क्या करें। सो यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं या रिक्वायर्ड मटेरियल है उसका कारोबार के लिए, वो अगर ना मिल रहा हो, वो अगर ना मिल रहा हो तो सो अब मैं इस पे जो बात करना चाहती हूँ ना फायज़ साहब से, वो ये कि क्योंकि इसमें आपने ये नहीं बताया कि वो मटेरियल एग्जैक्टली क्या है, और दूसरा ये कि वो मटेरियल आपके बिजनेस के लिए कितना मिशन क्रिटिकल है, मतलब कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उस अगर वो आपको बिल्कुल नहीं मिलता, माने कि वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके बगैर वो बिजनेस फिर भी चल सकता है कि नहीं, फिर भी क्या डेवलप किया जा सकता है? मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, और स्पेशली अगर ये आपने लिखा है कि शायद ऐसा मटेरियल है जो यहाँ की मार्केट में अवेलेबल नहीं मगर इंटरनेशनली अवेलेबल है, अगर आप एक छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मगर उस बिजनेस शुरू करने के लिए आप पहले इंतज़ार करें कि आप बाहर की मार्केट से कोई चीज़ इंपोर्ट करके और फिर डेवलप करेंगे, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, मतलब और ये एक्सपेंसिव काम भी है। मैं ज़्यादातर जो एडवाइस देती हूँ स्पेशली स्मॉल बिजनेस शुरू करते हुए, वो ये है कि आप कम से कम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, आप बहुत ज़्यादा वेट ना करें नंबर वन, और आप बहुत ज़्यादा शुरू में पैसे मत लगाएं। सो मैं आपको ये कहूँगी, और अगेन मैं काफ़ी ब्लाइंड किस्म की एडवाइस दे रही हूँ क्योंकि ना मैंने फ्लावर बिजनेस खुद नहीं किया और मैं एग्जैक्टली आपके बिजनेस को नहीं समझती, पर मेरी एडवाइस ये है कि आप ये एनालाइज करें, एक तो ये कि पहले आप मार्केट में जाके देखें, मार्केट रिसर्च इज एक्चुअली गोइंग ऑन ग्राउंड, आप जाएं जितनी फूलों से रिलेटेड दुकानें हैं, आप उनको जाकर तस्वीरें दिखाएं, पूछें ये है अवेलेबल नहीं अवेलेबल, ये कैसे बन सकती है, बनाई जा सकती है कि नहीं, और फिर आप ये देखें, और हमारे यहाँ तो हम उसको कहते हैं जुगाड़, आप ये देखें कि क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है, क्या ऐसा तरीका बनाया जा सकता है कि जिससे वो चीज़ डेवलप की जा सके बगैर आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगाए और बगैर इम्पोर्ट के चक्कर में पड़े। क्योंकि जब इम्पोर्ट कोई आप कहते हैं ना मटेरियल इम्पोर्ट कराने की बात करते हैं तो इसमें फिर आपके कस्टम्स से रिलेटेड चीज़ें, आपकी टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें, इवन
डिलीवरी वो चीज पाकिस्तान तक पहुंचेगी कैसे, आप तक कैसे पहुंचेगी? डिलीवरी चार्जेस कभी ज्यादा कभी कम, डॉलर प्राइस ऊपर डॉलर प्राइस नीचे, उससे भी आपका कारोबार इफेक्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली खासतौर पर स्मॉल बिजनेस करते हुए ये वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और पाकिस्तान में सैड बात ये, इवन दो ये सारे जो इदारे हैं महकमे ये काफी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी भी इनके अराउंड ना काफी कॉम्प्लिकेशन है। तो मशवरा आपका यह है कि कोशिश करें कि जो भी मटेरियल है वो पाकिस्तानी हो, लोकल हो, ताकि ये मसाइल ना हो। लेकिन एक और चीज़ है मीना तारिक, कि इन्होंने ये भी वजाहत नहीं की कि ये फूलों का कारोबार करना चाह रही हैं, तो वो क्या ताज़ा फूलों का कारोबार है या इस तरह के फूलों का कारोबार है? बिल्कुल। तो ये भी थोड़ी सी आपको हम ये भी बताते चलें कि फायजा का सवाल तो हमने ऑन एयर इसलिए किया कि इन्होंने ऑन एयर जवाब इसका मांगा था। आप में से बहुत से साथी ऐसे हैं जो मीना को हमारे शो पे फेसबुक पे, फेसबुक पेज पे, ब्रेकफास्ट सेट होम पे इनबॉक्स करते हैं और डायरेक्टली उनको ही इनबॉक्स में फेसबुक पे ही मीना जवाब दे देती हैं, गाइडेंस दे देती हैं, कंसल्ट कर देती हैं। तो हम हर एक का सवाल ऑन एयर नहीं भी रखते। तो फायजा आपको मेरा मशवरा ये है कि आप जरा थोड़ा सा डिटेल में लिखिए कि आपके कारोबार में एक्चुअल मसला क्या आ रहा है, ताकि मीना हम ऑन एयर भी नहीं करेंगे, हम इनबॉक्स करके आपको उसका तफसीली जवाब दें। बिल्कुल। और मैं फायजा के सवाल को यूज करते हुए, एक्चुअली जो सवाल हम ऑन एयर करते हैं वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि इसमें और लोगों के लिए भी क्या मैसेज हो सकता है। सो ये मैंने इसलिए भी चूज किया क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम में से बहुत सारे लोग फेस करते हैं। तौसीफ, हम में से बहुत सारे लोगों के पास एक आइडिया होता है मगर फिर उसके अराउंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं अवेलेबल होती हैं। और ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा बेसिक वो है कि ना वो एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा कह लें खिलौना है या ऐसा पजल है जिसके सारे पीसेस एक टाइम पे आपको नहीं मिलते। मतलब जब आप वो पजल बना रहे होते हैं ना, या आप वो लेगो से या बिल्डिंग वो बना, बच्चा एक बीच में चीज बना रहा होता है ना, उसमें से कुछ जरूर मिसिंग होता है, एक से ज्यादा, बल्कि एक टाइम पर जिंदगी में वो सारे पीस, और ये शायद जिंदगी में भी होता है, वो सारे पीस कभी एक टाइम पर इकट्ठे नहीं मिलते। Exactly. कुछ ना कुछ एक कोना मिसिंग होता है, तो और वो शायद अगले साल मिल जाए या शायद 6 महीने बाद मिल जाए, शायद 3 महीने बाद मिल जाए, शायद कभी ना मिले। तो उसके अंदर क्या फिट करके आप काम चला सकते हैं, वो उस पे कौन सा प्लास्टर लगा सकते हैं, वो आपने देखा। वेरी गुड। अगला सवाल अभी साथ साथ अगर आप ले लें। बिल्कुल, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगला सवाल जो है ना वो है आशु राजपूत का। सो आशु के सवाल पे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, काफी सारे लोगों ने, क्योंकि मैंने बात की थी कैनवा के बारे में और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद दोबारा से पूछा था। कैनवा एक ऐसी वेबसाइट थी कि जिस पे आप जो है वो अगर आपको फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ और इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड जो टेक्निकल किस्म के प्लेटफॉर्म्स एंड डिजाइनिंग के वो नहीं यूज करने आते, मुझे भी नहीं आते, मैंने कभी नहीं सीखा, तो आप वो आपको नहीं आता तो अब आप कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं बेसिक किस्म की? सो canva.com 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 एक ऐसी वेबसाइट है कि जिस पे आपको जाकर, ये फ्री टूल है, तो मैं तो हर जगह लोगों को बताती हूँ क्योंकि ये बहुत आसानी से वो यूज कर सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा रिकैप देता चलूं, इसका जिक्र इसलिए आया था कि जब आप अपना छोटा सा बिजनेस करते हैं तो हमने बात की थी कि उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग के हवाले से, उसकी डिजाइनिंग के हवाले से, आपको जरूरी नहीं कि कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी आप हायर करें या किसी डिजाइनर के पास जाएं और उसको पैसे देकर डिजाइनिंग कराएं, आप बेसिक चीजें खुद भी डिजाइन कर सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। और इसमें आते हैं आपके लोगोज आ जाते हैं, इसमें आपके ब्रोशर, आपके फ्लायर, इस किस्म की हर, इवन बड़े बड़े बोर्ड अगर आपने लगाने हैं तो आपको कैनवा पे बने बनाए मिल जाते हैं, उसमें आप अपना नाम, अपने रंग, अपनी चीजें करके। तो आशु क्या कह रही है? आशु ये कह रही है कि वो कैनवा इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया और उसके बाद उन्होंने काफी प्रैक्टिस की और वो कह रही है कि ऐसा कोई तरीका है कि मैं घर बैठे कोई बिजनेस शुरू कर सकूं इसके अराउंड। जैसे अब मैंने कैनवा की स्किल मैंने सीख ली है इसको इस्तेमाल करना, और मैं आशु चाहती हैं, और ये मुझे बड़ा पसंद आया, वो चाहती हैं कि वो अपनी फीस खुद दे सकें, वो पढ़ाई कर रही हैं, वो स्टूडेंट हैं, तो वो चाहती हैं कि वो अपनी फीस जो है वो खुद दे सकें। तो जबरदस्त बात है आशु, पहली बात तो इस बात पे तो मैं शाबाश हूँ, बाकी काम होते हैं कि नहीं, लेकिन ये जो अप्रोच आपकी है ना टुवर्ड्स लाइफ कि आप अपनी एजुकेशन को खुद सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स और अपने घर वालों के बजाय, ये एटीट्यूड जिंदगी गुजारने का बहुत जबरदस्त है, शाबाश। बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हुई है देख के। तो आशु आपके लिए मेरा जवाब ये है कि कैनवा एक फ्री टूल है जिसका मतलब है कि ये अवेलेबल है, बहुत ज्यादा लोगों को भी इसके बारे में पाकिस्तान में नहीं पता मगर ये अवेलेबल है, तो और लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऐसी स्किल हो ना, अब ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि सिलाई मशीनें आसानी से अवेलेबल है, टूल है कैनवा, एक सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन से कपड़े सीते हैं, कैनवा से
पोस्टर बनाते हैं, ठीक है। अब आपने इस स्किल में ऐसी महारत हासिल करनी है नंबर वन कि आपके कपड़ा जो आप बनाते हैं और जो दूसरा बनाते हैं उसमें आप फर्क कर सकें। सो पोस्टर जो आप बनाएंगी और पोस्टर जो कैनवा पे मैं बनाऊंगी, इसमें फर्क होना चाहिए अगर आप अपना पोस्टर बेचना चाहते हैं, ठीक है, ताकि लोग जाके कहेंगे अच्छा भी मैं मीना से नहीं, मैं आशु के पास, मैं आशु के पास। सो और ये अगेन मैंने ये इसलिए चूज किया क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग और ये ख्वातीन भी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लड़के भी यंग स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं कि हम घर बैठे ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि हम थोड़े पैसे कमा सकें, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वैसे पॉकेट मनी की खातिर। सो आप देखें कि आपके अंदर क्या टैलेंट और क्या स्किल है और आप उसको अपस्किल कैसे कर सकते हैं, आप उस चीज में कैसी महारत हासिल कर सकते हैं, नंबर वन। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम भी करें आपने उसको बस इधर इधर तक नहीं करना, आपने फिर उसको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। आप उसमें कलर्स, डिज़ाइंस, तस्वीरें क्या कर सकते हैं कि वो चीज़ ऐसी हो कि लोग वाह वाह करें, तो ये नंबर वन। नंबर टू ये है कि यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, मतलब कि आपने एक चीज़ बना ली। अब आशु मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये देखें कि आपके इर्द-गिर्द कौन से बिजनेसेस हैं जिनको ये सपोर्ट चाहिए। आप अगर स्कूल जाती हैं तो आप अपने स्कूल के एडमिन ऑफिस में जाके कहें कि आप जिससे भी डिज़ाइनर से बनवाते हैं, ये देखिए मैं ऐसी डिज़ाइनिंग करती हूँ, सो आप के जो भी चार्जेस हैं मैं उसको थोड़े कम पैसों में मैं आपको ये काम करके देने को तैयार। और मेरे ख्याल है स्कूल मैनेजमेंट भी बहुत खुश होगी कि हम बाहर से किसी से डिज़ाइन कराने के बजाय हमारी स्टूडेंट जो है उसी को हम वही पैसे दें और उसी से हम बिल्कुल बिल्कुल। आपके इर्द-गिर्द कोई बिजनेस है, आपका आपका दर्जी है, ठीक है, आप अपने दर्जी को कहें कि मैं आपके फ्लायर बना देती हूँ, वेरी गुड आइडिया, और मैं आपके फ्लायर जगह जगह लगाने को तैयार हूँ और मैं आपको इसमें हेल्प करूंगी। आपने और ये बड़ा वो है, पहला काम जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलता है क्योंकि हर कोई एक्सपीरियंस मांगता है ना। जिस हम नौकरी पे भी अप्लाई करते हैं वो कहते हैं जी आपका एक्सपीरियंस क्या है, और बंदा कहता है भाई अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देगा तो मेरा एक्सपीरियंस कैसे बनेगा। वो एक साइकिल है, जब तक कोई पहली नौकरी नहीं देगा तो एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। इसमें ब्रेक इन करने का तरीका ये है कि आप शुरू में जाके लोगों को कहें कि हम ये काम आपको टेस्ट बेसिस पे, स्पेशली ऐसा काम मैं आपको टेस्ट करने के लिए आप एक दफा ट्राई तो करें, फ्री करके दें या थोड़े कम पैसों पे करके दें। फ्री का मतलब ये मसला होता है कि बाद में प्राइसिंग, मैंने प्राइसिंग पे बात की थी, बाद में पैसे बढ़ाना मुश्किल होता है, मगर आप ये देखें कि आप कैसे लोगों को टेस्ट करा सकते हैं। एक दफ़ा मेरे हस्बैंड जो है वो ट्रैवल कर रहे थे कहीं पंजाब में, तो उन्होंने देखा कि एक जगह पे उसने साइन लगाया, कुल्फी वाला था, उसने साइन लगाया हुआ था कि पहली बार जो है वो हमारी मर्जी से, अगली बार जो है वो दिल की मर्जी से। तो ये बात है कि पहली बार वो आपकी मर्जी से कर लें, उसके बाद वो मजबूर हो जाए। आप इतना अच्छा काम करें, आप इतना अच्छा काम करें कि कोई ये सोचे ही ना कि इसके अलावा किसी से काम कराया जा सके। वेरी गुड मीना, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी टिप्स थी। और अगेन आज सवाल तो फायजा और आशु के मीना ने उठाए, लेकिन अगर आप देखें तो ये हम सब यंग बिजनेस यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये वैलिड क्वेश्चंस थे और डेफिनेटली आप अपने बिजनेसेस में इन मशवरों को शामिल भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल से पाकिस्तान में हिफाजती टीकों का वीक, हफ्ता मनाया जा रहा है, यानी इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है। डॉक्टर नौशीन हामिद जो कि फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं ऑन हेल्थ, तो बेसिकली जरा उनसे हम ये जानेंगे कि ये हफ्ता मनाना क्यों जरूरी होता है और इसमें हम अपने बच्चों की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए एक आम आदमी क्या कर सकता है। रोही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। कहते हैं माहिरीन कि बच्चे की जिंदगी के पहले 1000 दिन उसकी पूरी आने वाली जिंदगी को डिटरमिन करते हैं। अगर तो वो बच गया तो उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसकी बॉडी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मेंटल फैकल्टीज, उसकी एबिलिटी, जिस्मानी एबिलिटी, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि उसके हमल के 9 महीनों से लेके और उसके इस दुनिया में आने के बाद इस सब को शामिल करके पहले 1000 दिन इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उसको बीमारियों से भी बचाना है और उसको ऐसी ग़िज़ा देनी है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मुस्तैद इंसान एडल्ट बन सके। ये कहना बहुत आसान है, बहुत से ममालिक इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का शुमार साथियों उन ममालिक में होता है जो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हैं। कल से पूरे पाकिस्तान में
हफ्ता मनाया जा रहा है इम्यूनाइजेशन का, यानी हिफाजती टीकों का, ये क्यों ज़रूरी है और ये क्या सिर्फ सेहत के लोगों का मामला? अच्छा जी, ये जो सेहत वाले आ गए हैं अब, ये माँ बच्चे की सेहत और सेहत, ये हमारा काम तो नहीं है। नहीं, एक मिनट रुकिए, रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ सेहत के महकमे का काम नहीं है। अगर हमने एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है तो ये पूरे पाकिस्तान का काम है। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड के डॉक्टर नौशीन हामिद, जो कि फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं ऑन हेल्थ, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, लेकिन हम खाली हेल्थ भी कह सकते हैं ताकि लोगों को समझ आ सके, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ लाए। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मैंने अभी एक गुजारिश रखी है नाज़रीन के सामने, क्या वाकई पाकिस्तान उन लीडिंग कंट्रीज में से है जहाँ पर ये मसला बहुत ज़्यादा है? जी देखें, पाकिस्तान इस वक्त अनफॉर्चुनेटली उन कंट्रीज़ में से है जहाँ सबसे ज़्यादा जो हैं वो डेथ्स होती हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी जो कि पैदाइश के टाइम पे, और अंडर फाइव मोर्टेलिटी कि 5 साल की सालगिरह देखने से पहले एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है कि आज तक हम अपने बच्चों को बचाने के लिए कोई इफ़ेक्टिव मेजर्स नहीं ले सके। आप इम्यूनाइजेशन के हवाले से बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो इसमें यह है कि वो जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, हम उनको तो एड्रेस करें, यानी बचाया जा सकता है जी बिल्कुल। ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल डेथ्स होती हैं, अगर ये प्रॉपर टाइम पे इनकी वैक्सीन इन बच्चों को मिल जाए तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और इनमें से कुछ चीज़ों से, जैसे जो एक टेटनस एक चीज़ होती थी, उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब तकरीबन फ्री हो गया है कि उससे तो हम ये नियोनेटल डेथ्स को बचा पा रहे हैं, मगर उसके अलावा जो है वो अभी हम लोग अपनी कवरेज कंप्लीट नहीं कर सके। कवरेज से क्या मुराद? कवरेज से ये कि हम हर बच्चे तक नहीं पहुंच सके। ओके। कि आप अभी भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिन तक ये वैक्सीनेशन जो है वो नहीं पहुंच सकती। तो ये वीक जो हम लोग मना रहे हैं, या इसका ये दिस इज जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि जब व्हेन यू टॉक अबाउट इट, जब सबको पता चलता है कि वैक्सीनेशन का एक वीक है, तो इसमें फिर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। इस वो कौन सी बीमारियां हैं जो कि आप समझती हैं कि वही बात है कि जिंदगी के पहले 5 साल या के अंदर उनसे बचाव ज़रूरी है या रीच आउट ज़रूरी है? इस वक्त पाकिस्तान में जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो 1978 में शुरू हुआ था, उसमें पहले 8 बीमारियां थी, अब 10 बीमारियों को हम कवर कर रहे हैं। इसमें बेसिकली सबसे पहले तो चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस है कि अगर आप बर्थ के ऊपर BCG वैक्सीनेशन लग जाए तो बच्चा जो है वो फिर ट्यूबरक्लोसिस से अर्ली 5-6 ईयर्स तक उसको फिर कवरेज मिल जाती है वो ट्यूबरक्लोसिस से। इस वक्त आपको पता होगा कि पाकिस्तान में दुनिया में फिफ्थ हाइस्ट बर्डन ट्यूबरक्लोसिस का पाकिस्तान में है, तो इसलिए इन बच्चों को बचाना जो है बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन है वो मौजूद है। उसके अलावा इसके अंदर डिप्थीरिया है, ये जो एक गले में एक वो मेम्ब्रेन सी बन जाती है, सांस बंद होता है बच्चे के, तो डिप्थीरिया है, टेटनस है, ये जो पर्टूसिस जिसे काली खांसी हम लोग कहते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नमूनिया है, मेनिनजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार जो है, हेपेटाइटिस बी एक बहुत बड़ा एपिडेमिक हमारे मुल्क में बनता जा रहा है, उसकी वैक्सीनेशन है, तो ये सारी चीज़ें। और अब रिसेंटली जो ऐड किया गया वो रोटा वायरस, जो कि डायरिया के लिए होती है, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी तादाद में डायरिया से भी डेथ होती है। तो ये कुछ वैक्सीनेशंस हैं जो कि अगर हम बच्चों को करा लें तो एटलीस्ट 10 बीमारियों के खिलाफ आपको टोटल कवरेज मिल जाती है। अच्छा, अब इस वक्त हमारा क्योंकि शो PTV होम, PTV न्यूज़, PTV ग्लोबल सब जगह से जा रहा है, लेकिन जो हमारा PTV होम के हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो ज़्यादातर गाँव देहात में रहते हैं, वो आपकी बात सुन के ये सोच रहे होंगे कि अब मैंने क्या करा। जी, इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली वैक्सीन भूल गई, वो है पोलियो की वैक्सीन। पोलियो जो है इस वक्त पूरी दुनिया में इरेडिकेट हो चुका हुआ है, सिवाय 2-3 मुल्कों के, जिनमें एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि ये एक कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं, एक ये ब्लॉक रह गया दुनिया में, और नाइजीरिया को आप कह लें। आप ये सोचें कि हमसे ज़्यादा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी पोलियो इरेडिकेट हो गया। तो पोलियो वैक्सीन हम लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका मिस जो अभी आप बात कर रहे थे गांव देहातों की, इसमें बेसिक रीज़न जो है वो रिफ्यूज़ल है पोलियो वैक्सीन, अपने पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाने के लिए। तो ये ज़रूर सबको समझना चाहिए कि ये आप कुछ कतरों से अपने बच्चे को तमाम उम्र के फालिज से और ऐसी बीमारी से बचा सकते हैं कि जिसमें वो माजूर हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप पोलियो का जिक्र करिए, मेरे जहन में खसरा भी इसमें शामिल जी, मीजल्स भी है। मीजल्स पे भी हम टोटल कंट्रोल नहीं कर सके, मगर इंसिडेंस जो है वो पहले से बहुत कम हो गया जी। अच्छा जी, अब आते हैं उस सवाल पे कि एक आम इस वक्त जो हमारा व्यूअर है उसने क्या करना है, उसके उसकी
लाइफ स्टाइल के अंदर क्या चीज आए, जिनका बच्चा पैदा होने वाला है या छोटे बच्चे हैं, क्या करें? देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये फ्री वैक्सीनेशंस जो हैं ये मौजूद हैं। आपने सिर्फ इतना करना है कि वो जो EPI सेंटर है वहाँ पर अपने बच्चे को पैदाइश के वक्त, तो जो तो हॉस्पिटल बर्थ्स होती हैं उनको तो पैदाइश के वक्त BCG और जो पहली डोज होती है पोलियो की वो मिल जाती है, मगर जो लोग हॉस्पिटल से बाहर घरों में जिनकी डिलीवरीज होती हैं या मतलब प्राइवेट जगहों पर होती है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे को पैदाइश के फौरन बाद किसी EPI सेंटर में लेके जाएं। वो आपको पैदाइश के वक्त की वैक्सीनेशन तो उसी वक्त दे देंगे और उसके बाद वो आपको एक कार्ड देंगे जिसके अंदर पूरा स्केड्यूल मौजूद होगा कि आपने किस महीने में कौन सी वैक्सीन दिलानी है और किस एज पे कौन सी वैक्सीन दिलानी है। उसको अगर ये फॉलो करें तो मैं समझती हूँ कि वो अपने बच्चों को बहुत सारी मुश्किलात से बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, और बाहरीन ये भी कहते हैं कि बच्चा पैदाइश के बाद तो उसकी वैक्सीनेशन है जी, लेकिन हमल के दौरान माँ का भी रेगुलर चेकअप होना जी, और उसको भी तो कुछ मेरे ख्याल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जी, वो टेटनेस का इंजेक्शन होता है जी, वो टेटनेस का होता है, मगर माँ की सेहत ऑब्वियसली बच्चे के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। हम लोग मेल न्यूट्रिशन और मेल नरिशमेंट का जिक्र अक्सर आजकल आप सुन रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे आपने 1000 डेज का जिक्र किया है, तो ये मेल न्यूट्रिशन का ये नहीं है कि बच्चे पैदाइश के बाद उसको खाना नहीं मिला, बल्कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ की गज़ा पूरी नहीं है, वो एनेमिक है या उसकी खुराक उतनी हेल्दी नहीं है, तो वो बच्चा पैदा ही मेल नरिश्ड होगा। तो इसलिए ये मैं समझती हूँ कि वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि माँ की भी सेहत जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये क्यों कहा जाता है कि बच्चों की सेहत का मसला सिर्फ सेहत के महकमों और सेहत की मिनिस्ट्रियों का मसला नहीं है, ये क्या अप्रोच है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की जो सिनर्जी की बात की जाती है उसको जरा हम इनसे चाहेंगे कि एक्सप्लेन करें। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी सेहत के ऊपर डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप ये ज़रा कॉन्सेप्ट बताइए कि जो अब जिम्मेदारी जो है वो महकमा सेहत और सेहत की मिनिस्ट्रियों और डॉक्टरों और नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ इनसे उठाकर तमाम फंक्शंस और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पर डाल दी गई है जो बच्चों की सेहत की बात करते हैं, इसके हवाले से। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि ये बच्चों की सेहत जो है वो सिर्फ सेहत का मैंडेट नहीं है, बल्कि इसके अंदर पूरा एक आपको मल्टी सेक्टोरल अप्रोच रखनी पड़ेगी, सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देखते हैं तो मैं समझती हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है जितना सेहत का है, क्योंकि जब तक आप अपने कौम को और अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल के सेहत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डिजीज़ की ट्रीटमेंट करें, सेहत वो होती है कि एक वेल बीइंग, एक जनरल सेंस ऑफ वेल बीइंग है जिसके अंदर प्रिवेंशन भी आती है, ट्रीटमेंट तो एक लेटर स्टेज की चीज़ है ना। अगर आप बेसिक हेल्थ को देखें तो उसके अंदर प्रिवेंशन का और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई थिंक इसके अंदर हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो अगर आप गवर्नमेंट के काम देखते हैं तो वो तो बेशक उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है, फाइनेंस की मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है, ऑब्वियसली बजट के बगैर कोई चीज़ आगे नहीं चल सकती है, एजुकेशन तो है ही है, मगर इसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि हमारी पूरी कौम को इसमें इन्वॉल्व होना है, पेरेंट्स ने अपना रोल प्ले करना है, टीचर्स ने अपना रोल प्ले करना है, तो ये सब, और ये आप लोगों का मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस सिलसिले में अवेयरनेस क्रिएट करने का। तो आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ टू प्ले अ रोल अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं। आपको एक्सरसाइज की अहमियत जो है वो आपको लोगों को बतानी है, ईटिंग द राइट थिंग्स, प्रॉपर आपकी जो बैलेंस डाइट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट और ईटिंग द राइट थिंग्स जी, सो अच्छी खुराक जी, अच्छी खुराक क्या महंगी खुराक होती है? बिल्कुल भी नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल है कि जब खुराक बनाई है तो अल्लाह ताला ने हर एक को सामने रखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि
हायर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के बच्चे भी मेल नरिश्ड और स्टंटेड होते हैं, उनमें भी स्टंटिंग जो है वो आप देख सकते हैं, और उसकी वजह यही होती है कि नॉट मतलब कि ईटिंग राइट थिंग्स जो है वो जब आप नहीं करते हैं, आपको अल्टरनेट्स कुदरत ने दिए हुए हैं, अगर आप प्रोटीन आप गोश्त वगैरह जो है अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, जो कि आजकल मेरे ख्याल है मेजॉरिटी जो हमारा पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर उसके बदले में अल्लाह ताला ने आपको दालें दी हैं, अल्लाह ताला ने आपको डिफरेंट बीन्स हैं वो दिए हैं, वो अफोर्डेबल चीज़ें हैं, तो इसकी ऑल्टरनेट्स जो हैं वो आई थिंक आपके पास मौजूद हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको उसके बारे में नो हाउ लेने की ज़रूरत है। तो आपकी ये फ्रूट्स हैं पाकिस्तान में, फॉर्चुनेटली फ्रूट्स जो हैं वो हर तरह के मौजूद हैं, इनमें आपको सारी जो आपके विटामिन्स हैं जो बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, अंडा जो है वो आप बहुत अच्छी सोर्स है बहुत सारी ऐसी चीज़ों के, बहुत अमाइनो एसिड्स की जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आई थिंक ये फिर भी अफोर्डेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त और मछली ही लें तो आपकी चीज़ कमी, खासतौर पर जो हामला माँ है उस तक अच्छी ग़िज़ा की रसाई को मुमकिन ना बनाना इस बात पर कि वो महंगी ग़िज़ा है, ये आप असल में कहना चाहिए कि ये बात दुरुस्त नहीं है। जी बिल्कुल दुरुस्त। जो जो औरत हमल में है उसका हक है, बल्कि ये आपके आने वाले बच्चे के लिए भी जरूरी है, उसकी हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप उसकी माँ को अच्छी ग़िज़ा और खुराक दें। डॉक्टर साहब आपने कभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्टंटिंग, जी स्टंटिंग क्या होती है? देखिए स्टंटिंग की डेफिनेशन ये है कि जो उस एज के ऊपर बच्चे की हाइट होनी चाहिए उस हाइट को वो अटेन नहीं करता, अपनी मतलब कि हाइट जो है वो अगर दो साल के बच्चे की अगर एक स्पेसिफिक हाइट होती है तो वो उसमें से उसकी कुछ सेंटीमीटर्स या कुछ इंचेस कम होती है तो उसको हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। अच्छा ये क्या ऐसे इसलिए नहीं होता कि उसकी जीन्स में है जी माँ बाप चचा मामू दराज कद हैं तो बच्चा भी दराज कद होगा या फुफो का अच्छी हाइट है तो? हाँ जी नहीं वो एक बहुत छोटा सा एलिमेंट उन चीज़ों का होता है फैमिली टेंडेंसी का होता है, मगर ये स्टंटेड ग्रोथ आपको ऑब्वियस हो जाती है, बच्चों के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कुछ माइलस्टोन्स होते हैं वो जब उनको अचीव नहीं कर सकते तो वो फिर स्टंटेड ग्रोथ। तो ये कैसे पता चले कि मेरा बच्चा स्टंटेड है या नहीं है, क्या हम अब किसी बेसिक हेल्थ यूनिट जाएं अस्पताल जाएं? जी ये तो किसी भी आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं उनके पास पूरे क्राइटेरियाज लिखे हुए मौजूद होते हैं और वो उनके मेजर करने का उनका वेट उनकी सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल हम पैरामीटर्स हर बच्चे के जो चेक करते हैं उसमें फौरी तौर पे पता चल जाता है, मगर स्टंटेड बच्चे जो होते हैं वो आपको देख के भी नज़र आ जाते हैं कि वो स्टंटेड हैं। और हैरानी की बात ये है कि जैसे आप अभी बता रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि इसका गरीब घरानों या गुर्बत से ताल्लुक, बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, आपको अपर क्लास के अंदर भी बहुत से स्टंटेड मिलते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपर क्लास के अंदर भी वो शऊर जो है जी वो नहीं है कि बच्चे की ग़िज़ा कैसी और क्या होनी चाहिए या माँ की ग़िज़ा कैसी और क्या होनी चाहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहबा मौजूद हैं और आपको मालूम ही है कल हर वक्त हम खबरों में भी देखते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पोलियो वैक्सीन के हवाले से एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा वाकया हुआ है, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहबा कुछ अपना ओपिनियन दें कि ये वाकया क्यों हुआ या इस तरह के वाकयात से कैसे बचा जा सकता है, इनकी टेक इस पे क्या है। रोई मेरे साथ अभी मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन हामिद जो कि वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं सेहत के ऊपर जिसको नेशनल हेल्थ सर्विसेज कहते हैं लेकिन आप सबकी आसानी के लिए हम कहते हैं सेहत। डॉक्टर साहबा कल का वाकया पहली तो बात है कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया है क्योंकि अभी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रही थी कि पोलियो की जंग में हम बहुत पीछे रहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान और नाइजीरिया और ऐसे हालात में इस तरह का वाकया हो जाना तो वो कहते हैं यू नो टू स्टेप्स फॉरवर्ड एंड वन स्टेप बैक, बल्कि मैं तो कहूँगा कभी कभी लगता है वन स्टेप फॉरवर्ड एंड टू स्टेप्स बैक। इस हवाले से जरा कल के वाकये के ऊपर आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि व्हाट इज़ योर टेक और क्यों इतना अनफॉर्चुनेट वाकया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि हम सबको ये समझना है कि पोलियो की इरेडिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क से पोलियो को ख़त्म करना। आपने देखा होगा
कि पिछले दिनों में हमारे ऊपर ट्रेवल सैंक्शंस लगनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी आज भी ये होता है कि हमारे पास जब तक वो येलो कार्ड ना हो हम किसी भी यूरोपियन कंट्री में या कहीं भी जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते, और बहुत बड़ी तादाद में हमारे बच्चे बाहर जाते हैं जॉब्स की तलाश में। वो तो ये एक जो येलो कार्ड की एक हमारे साथ शिक लगा दी जाती है, इससे आप समझ लें कि बाहर की दुनिया में पोलियो कितना अनएक्सेप्टेबल है। तो अगर पाकिस्तान ने कम्पीट करना है तो हमें हर सूरत जो है पोलियो को इरेडिकेट करना है। पोलियो के बारे में बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो बनी हुई हैं, और एक पूरा मैं समझती हूँ कि सेक्शन है जो इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक अपना प्रोपेगेंडा और एक उन्होंने मुहिम चलाई हुई है कि किसी तरह से इस पोलियो में मुहिम को कामयाब ना होने दिया जाए। मैं समझती हूँ कि वो पाकिस्तान के दुश्मनी कर रहे हैं इस वक्त। तो ये कल का वाकया भी जो है वो अब आपके साथ वक्त के साथ साथ वो समझ आ गई है कि वो सिर्फ एक क्रिएटेड एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करने के लिए एक ड्रामा था सिर्फ, वो प्रूफ भी हो गया है, मीडिया के ऊपर भी आ गया है, वैसे भी आ गया। तो पोलियो वैक्सीन में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये सिर्फ वो कुछ ड्रॉप्स होते हैं जो कि पोलियो के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, और ये इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि अभी आप ये देखें कि जो कुछ साल पहले 2-4 साल पहले पोलियो के तकरीबन 316 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो कि इस साल अभी कुछ अर्सा पहले तक वो 8 पे आ गए थे, और उन 8 में से भी जो 3 बच्चे थे उनको पोलियो वायरस तो उनके अंदर से मिला मगर उनको वो टिपिकल वाला पैरालिसिस नहीं हुआ। नहीं। तो वो इसकी वजह सिर्फ यही थी कि उनके अंदर पोलियो की इम्यूनिटी मौजूद थी। तो ये बिल्कुल मिथ है, पोलियो की वैक्सीन में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और मैं समझती हूँ कि ये कौम दुश्मन अनासर हैं जो कि इस किस्म की चीज़ों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पोलियो के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इससे बच्चों को कोई नुकसान होता है, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं। और ये वही वैक्सीन है जो कि सऊदी अरब या इजिप्ट या दूसरे इस्लामी ममालिक में इसी वैक्सीन से जी बिल्कुल को फाइट किया गया। देखिए इस वक्त सिर्फ मैं समझती हूँ कितने सारे इस्लामी ममालिक है, सिर्फ अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान रह गए हैं तो बाकी सारी, अभी आप सऊदी अरेबिया जाएं तो मेरा ख्याल है जो लोग जाते हैं उम्रे वगैरह पे रेगुलरली उनको ये एक्सपीरियंस होगा कि द मिनट वी लैंड देयर और हम जहाज से बाहर निकलते हैं तो वो सऊदीज पोलियो के बॉटल लेके खड़े होते हैं और वो ड्रॉप्स हमारे मुँह में डालते हैं, तो उसके बाद वो हमें इमिग्रेशन काउंटर से गुजरने देते हैं। तो ये कि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ आई थिंक किसी तरह से भी रिस्पेक्टेबल तो नहीं है ना कि हमें बाहर की दुनिया में इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसका वाहिद हल ये है कि पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, महल्ले वाले भी, जनरली ये जो कौम है ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और मिलजुल कर हम इस चीज़ को जो है यहाँ से ख़त्म। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आप इस बात में ऐड करना चाहूँगा कि कल मैं देख रहा था कि उस वाक्य के साथ जो हमारे आम लोगों ने सोशल मीडिया को जिस तरह से जी उसको शेयर कर रहे हैं कमेंट्स तहकीक के बिना, बात खुलने के बिना, एक ये भी चीज़ है कि सोशल मीडिया से भी एकदम से एक चीज़ को हाइप मिल जाती है। जी, बिल्कुल। तो हम हमेशा कहते रहते हैं जो हमारे सोशल मीडिया के हवाले से जो सेगमेंट्स होते हैं कि थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी सी एहतियात, किसी भी वीडियो को, किसी भी चीज़ को, किसी भी खबर को, किसी भी पोस्ट को शेयर दर शेयर करने से पहले 2 मिनट के लिए सोचिए कि इससे हमारे मुल्क और कौम का कोई कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा होगा, कहीं ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत मैं तो नहीं कर रहा या कर रही कि ये एक शेयर का बटन दबाने से न जाने कितने लोगों तक वो बिना तस्दीक किए खबर आगे से आगे ट्रैवल कर जाएगी। तो इन चीज़ों को भी हमने जी बिल्कुल, आपका एक बच्चा अगर पोलियो का शिकार हो के अगर उसको पैरालिसिस हो जाता है, वो फालिज का सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाता है, तो अगर आपकी एक पोस्ट शेयर करने से एक बच्चे को भी ये हो जाए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा लॉस है। आप गिल्ट है मेरे ख्याल में, पूरी जिंदगी का आपके लिए एक जिम्मेदारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप को मैंने एक दो बार सुना, आप बहुत ज़्यादा बात करती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से, और आप का बड़ा फोकस है कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं 60-70% अमवात जो है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए क्योंकि ये वाला पर्सपेक्टिव कभी इस तरह से सामने मेरे नहीं आया। देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन सी आ जाती हैं, डायबिटीज़ आ जाती है, हाइपरटेंशन आ जाती है, हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, ये हमारी ब्रेन की जो सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ जैसे हम उर्फ़े आम में स्ट्रोक कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं, ये सारी डिजीज़ इसमें आती हैं, कैंसर भी इसी में आता है, मगर ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ईजिली प्रिवेंटेबल हैं अगर हम थोड़ा सा अपनी डाइट्स को मॉडिफाई कर लें। अच्छा। और आजकल पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है जो कैंपेन चल रही है और जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं वो 3 स्ट्रेटजीज़ हैं कि अगर हम अपनी डाइट में सॉल्ट रिडक्शन कर लें, नमक का इस्तेमाल जो मिनिमाइज़ कर लें, शुगर रिडक्शन, शुगर को वैसे भी वाइट पॉइजन कहा जाता है मगर ये कि शुगर की जब एक्सेसिव यूज़ होता है तो वो भी बहुत डैमेजिंग होता है,
और इसी तरह से ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स यानी कि ये जो हमारे घी वगैरह जो होते हैं जो कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ऑयल्स और घी हैं, इनके अंदर जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं ये भी जो है ये जाके हमारे अंदर आर्टरीज में क्लॉग करते हैं, हार्ट डिजीजेस कॉज होती हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कॉज होती है, स्ट्रोक्स होते हैं। तो ये सिर्फ डाइट को मॉडिफाई करने से हम इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से बच सकते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और कितने फीसद अमवात जी? तकरीबन 60-70% अमवात जो है वो इन्हीं की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो रही है। अच्छा, अब ये डॉक्टर साहब ऐसे टीवी शो के अंदर बैठ के सोफे पे और ये बात कहना तो बहुत आसान है जी। और मैं भी आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ जी, बिल्कुल जी। चीनी और नमक, लेकिन दो मिनट के लिए सोचिए जिंदगी से चीनी और नमक निकल जाए तो नहीं, मगर अपनी हेल्थ के लिए मॉडरेशन में कोई चीज़ भी नुकसान नहीं करती, मगर जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं इन चीज़ों का। अब आप ये देखें कि जैसे मैं अभी रिसेंटली बाहर एक कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी तो वो लोग अपने मुल्क में ब्रेड्स में उनमें जो वो तो एक हिडन नमक है ना जो आपको नज़र भी नहीं आता, तो वो आप वो अपनी ब्रेड्स में से नमक ख़त्म करने के लिए कानून साजियाँ कर रहे हैं अपने मुल्क में। अरे आटे में से नमक निकल जाएगा जी, तो ये ज़रूरी है ना, क्योंकि इसकी वजह से आप ये देखें कि वो तो स्टेपल डाइट है, वो तो रोज़ सबने खानी है। तो ये चीज़ें कुछ हम लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। और बहुत से ममालिक ने अपने मुल्क में इन डिजीज़ को कंट्रोल किया सिर्फ इन्हीं मेजर्स से। आप ये सोचिए इसके ऊपर से हमारा हेल्थ के ऊपर से बर्डन कितना कम हो जाएगा, हमारी हॉस्पिटलाइजेशन, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, मेडिकेशंस हैं, हमारा जीडीपी कितना सारा जो है वो बचेगा अगर हम इन सारी डिजीज़ की प्रिवेंशन की तरफ आ जाएं। अच्छा जी, एक डॉक्टर साहब बात मैं ज़रूर आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने चीनी नमक के साथ जी ऑयल और घी का जिक्र किया जी। एक वक्त था हम देसी घी खाया करते थे जी, फिर डॉक्टरों ने ही कहना शुरू कर दिया कि जी देसी घी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ऑयल ऑयल ऑयल। नहीं, अब ये दोबारा से तो आप ये डॉक्टर लोग एक दफा क्यों नहीं फैसला कर लेते? नहीं, वो जो अब जो वनस्पति घी वगैरह आपको पता है पंजाब में शायद आपके इंफॉर्मेशन में हो कि लेजिस्लेशन हो गई है 2020 के बाद अब वहाँ पर घी मैन्युफैक्चर नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये आई थिंक दूसरे सूबों में भी हमें रेप्लिकेट करने की जरूरत है। उन लोगों को जो मिल्स थी उनको एक ग्रेस पीरियड दिया गया था कुछ सालों का, और 2020 जो है वो उसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई थी कि उसके बाद जो है घी मैन्युफैक्चर जो है वो खत्म कर, यानी वनस्पति घी जी, वनस्पति। लेकिन ऑयल जो है जी, ऑयल जो है, ऑयल की भी फॉर्म्स होती है ना, जैसे कैनोला ऑयल है, ये जो ऑयल सीड्स से जो बनते हैं बिल्कुल वो चीज़ें ठीक है, वो हेल्दी होती हैं, मगर ये जो इस तरीके से हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से गुजर के जो चीज़ें बनती हैं वो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। यानी पंजाब की जितनी भी वनस्पति घी की फैक्ट्रियाँ हैं 2020 के बाद काम नहीं करेंगी जी बिल्कुल। आप एज एन एक्सपर्ट फिर देसी घी को do you recommend? जी देसी घी बिल्कुल बाकियों से बहुत बेहतर है, मगर मॉडरेशन में। ये नहीं कि अब अगर देसी घी खाना है तो हम रोज़ पराठे खाएं और वो खाएं, मिनिमम यूज़ करें उसको, मगर ये कि अगर यूज़ करना है तो आई थिंक देसी घी है, ऑलिव ऑयल है, दूसरे जो सीड ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल है, ये सारी चीज़ें जो नेचुरल सोर्सेज से बन के आती हैं वो आई थिंक वो ठीक है, मगर फिर भी मेरा उसी पे स्ट्रेस होगा कि हर चीज़ मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, जब हम हुकूमती सतह पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स की या आम लोगों तक हेल्थ की रसाई की बात करते हैं जी, तो क्या आप समझती हैं कि जो आपने क्योंकि बिल्कुल आगाज में रीच की बात की थी कि हमने हर बच्चे तक पहुँचना है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बेसिक हेल्थ यूनिट्स का क्या सूरत हाल है, वहाँ पे स्टाफ की, या क्या वो इलाके जहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स अभी मौजूद ही नहीं है, इस हवाले से ज़रा बताइए कि हुकूमत की क्या तरजीहात जी। देखिए, मैं समझती हूँ पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन हेल्थ मॉडल मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर, कि आपको स्टेप वाइज जो एक रेफरल सिस्टम के तहत जो है अगर आप चलें तो आपके ऊपर ये जो हमारे हॉस्पिटल्स में आप बेवजह का रश देखते हैं सब वो कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो बेसिक हेल्थ यूनिट जो होता है ये एक 10-15,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक हेल्थ यूनिट, ये बेसिक हेल्थ यूनिट जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक यूनियन काउंसिल, किसी की आबादी 15,000 है, 10,000 है, किसी की मैक्सिमम 20,000 तक भी जाती है, कि उस आबादी के लिए एक बेसिक हेल्थ यूनिट मौजूद हो जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ सारी मौजूद हों, और वहाँ पर प्रॉपर एक स्टाफ होता है 8-9 बंदों का, लेडी डॉक्टर होती है, मेल डॉक्टर होता है, टेक्नीशियंस होते हैं। तो ये अगर हमें फैसिलिटी डोर स्टेप पर मिलनी शुरू हो जाए तो वहीं से फिर पेशेंट जो है वो फ़िल्टर होना शुरू हो जाते हैं। अब आप ये देखते हैं कि एक डायरिया का पेशेंट है या एक सिंपल ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो भी
आपके पिम्स हॉस्पिटल में जाएगा या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, एक कैंसर का पेशेंट भी वहीं जा रहा है, एक कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट भी वहीं जा रहा है और एक सिंपल पेशेंट भी वहीं जा रहा है। तो अगर ये BHUs को हम इफेक्टिव कर लें तो एक तो लोगों को बहुत सारी सहूलतें होंगी कि डोर स्टेप पर मिल जाएंगी उनके अपने यूनियन काउंसिल में, अपने गाँव में। तो इसको इफ़ेक्टिव बनाना, इस वक्त सूरत हाल वाकई अच्छी नहीं है, बहुत से BHUs जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, रूरल एरियाज़ के BHUs में डॉक्टर्स जाने को तैयार नहीं होते हैं। तो BHUs के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, ये चूँकि प्राइमरी हेल्थ केयर का सिस्टम है, हमारा फोकस प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट करना, उसको स्ट्रेंथन करना है, तो इसलिए BHUs जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसके मैंडेट में आ जाते हैं। BHUs के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनकी फैसिलिटीज़ बेहतर करने के लिए, डॉक्टर्स को वहाँ पर मोटिवेट करने के लिए, जी बिल्कुल इस पे काम हो रहा है। अब ये भी बड़ी एक दिलचस्प रिसर्च है कि डॉक्टर जब बच्चे होते हैं खुद, तो वो कहते हैं मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा और अपने मुल्क को कौम की खिदमत करूंगा, लेकिन जब वो बड़े होकर डॉक्टर बनते हैं तो वो जिंदगी का रियलिटी चेक जब मिलता है ना, तो वो भी वैसे बजा है कहने के लिए कि वो, तो इस हवाले से भी कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं अमूमन समझता हूँ कि टीचर और डॉक्टर, जो सरकारी मुलाजिम टीचर है और सरकारी मुलाजिम डॉक्टर, उसके ऊपर हम शायद इमोशनल बर्डन भी बहुत ज्यादा डाल देते हैं कि तुमने अब कौम की खिदमत करनी है, चाहे तुम्हें हम यू नो फाइनेंशियली कंफर्टेबल करें ना। डॉक्टर्स के साथ भी फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, उनकी भी अपनी जरूरियात होती हैं, उनका तो मतलब है कि ये इसके साथ साथ एक प्रोफेशन जो है वो रिस्क भी उनका इसी में है। तो इसका एक मॉडल मैं आपको बताती हूँ जो KP में अप्लाई किया गया था, और चूँकि रूरल एरियाज में डॉक्टर्स को जाने का मसला होता था या वहाँ पर, तो एक 3-tier एक सिस्टम बनाया गया था कि जो बिल्कुल शहर के करीब होंगे उनकी पे का और क्राइटेरिया था, जो उससे थोड़े से फासले पे थे उनकी पे उससे कहीं ज़्यादा थी, और जो बिल्कुल रूरल एरियाज में थे वो 3rd tier जो थी उनकी पे उन सबसे ज्यादा थी, मतलब लाखों में चली गई थी। जो हार्ड एरिया अलाउंस सिस्टम, हार्ड एरिया की जो पे थी उनकी, मतलब ये 3-tier बनाया गया था, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि आपने उनको इंसेंटिव भी तो देना है ना कि वो कहीं वहाँ अगर जाते हैं अपने दूर दराज के इलाकों absolutely, में तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहा था। तो इंशाल्लाह ताला आई थिंक इसी मॉडल के ऊपर हमें पूरे मुल्क में काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मेरा ख्याल है कि कल से जो एक जनरल अवेयरनेस इम्यूनाइजेशन के हवाले से, हिफाजती टीकों के हवाले से, उस हवाले से भी हमने बात की, लेकिन और भी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए और भी हवालों से बात हुई। तो जनाब ये नहीं है कि कल एक आने वाला एक हफ्ता जो है उसमें हमने बच्चों को इम्यूनाइजेशन उनकी एज के मुताबिक ही ये सारा सिलसिला होता है, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि ये बच्चा जो है ये इसकी जिस्मानी और जहनी सेहत हमारे हाथ में है, अब ये आप पे है, डिसाइड आपने खुद करना है अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।